नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल सुई सून पे। आप लोग हमसे जुड़े रहे हैं पिछले 3 वीडियो से, हमें इसका बड़ा हर्ष है। बहुत ही कम समय में आप सभी ने हमें बहुत स्नेह दिया है और हमारे वीडियो को सराहा है। उसी के चलते हमें कई रिक्वेस्ट आई हैं और उन्हीं रिक्वेस्ट के चलते आज का हम एक नया वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत चर्चा का विषय कोरोना के बाद बन जाता है कि क्या बेहतर है, क्या वर्चुअल कोर्ट्स बेहतर हैं या वर्चुअल कोर्ट्स हेयरिंग बेहतर हैं या फिज़िकल कोर्ट्स हेयरिंग बेहतर हैं। काफ़ी अपने वकील साथियों से बात करके हमको ये लगता है कि शायद वर्चुअल कोर्ट बहुत हद तक, काफ़ी हद तक तो नहीं, फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत हद तक कामयाब साबित हुआ है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत हाई कोर्ट्स ने, कई ट्रायल कोर्ट्स ने देश भर में ये मुहिम जारी की, ये कोशिश की कि भाई घर बैठे बैठे लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो सके। और उस लास्ट माइल कनेक्टिविटी के चलते चलते बहुत लोगों को लिटिगेशन में जो अपना इन्वॉल्व होते हैं, जो कोर्ट आते हैं, उनको राहत मिल सके। तो ये कोर्ट्स की बहुत अच्छी पैरवी थी, इसमें कोर्ट्स ने बहुत काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पहल की लास्ट ईयर, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की, ऐप के थ्रू वर्चुअल हेयरिंग्स चली और बहुत बखूबी से, बहुत खूबसूरती से कोर्ट ने इस चीज़ को अंजाम दिया। उसी के बाद बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने देश भर में इस मुहिम को जारी किया और अब धीरे धीरे अब ये हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट हो गया है। तो हाइब्रिड मॉडल में दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई आप फिज़िकली भी कोर्ट में आ सकते हैं और फिज़िकली के अलावा वर्चुअल भी कर सकते हैं। तो इससे 2-3 फ़ायदे ये हुए लोगों को कि जो लिटिगेंट्स थे या जो लॉयर्स थे, वो घर में बैठे बैठे एक बटन के क्लिक से कोर्ट जा पा रहे थे, अपने वकीलों को देख पा रहे थे, अपने जज साहब को देख पा रहे थे और साथ ही साथ उस कोर्ट में क्या बहस चल रही है इस चीज़ को समझ पा रहे थे। और क्या फ़ायदे हैं इसके? इसके बाकी फ़ायदे ये हैं कि भाई अब आपको बार बार ये नहीं सोचना था कि आज मुझे जल्दी सुबह उठना है, गाड़ी चलानी है, पार्किंग ढूंढनी है, मेरे फ्यूल के खर्चे होंगे और अगर मैं कोर्ट में देर पहुंचता हूं, मेरा मैटर पास ओवर हो जाता है, मेरा मैटर अर्जेंट हो जाता है, तो फिर मेरा पूरा दिन हो सकता है उस कोर्ट में बर्बाद हो जाए। अगर मेरे 4 जगह और मैटर लगे हैं तो मैं उनको कैसे करूंगा? और स्पेशली जो लिटिगेंट हैं, जो बुजुर्गवार हमारे लिटिगेंट्स होते हैं, जिनको पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना पड़ता है या एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, उनका वो समय काफ़ी बच पा रहा था। लेकिन अब हाल फिलहाल में जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं, कोरोना का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, तो ये बातें अब कोर्ट वापस इस पर मंशा कर रहा है, इस पर विचार कर रहा है कि भाई वापस से हम प्री कोरोना के टाइम की तरह कोर्ट की मुहिम शुरू करें। तो आप सबको क्या लगता है कि क्या बेहतर है लिटिगेंट्स के लिए, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए, वकीलों के लिए और समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए? क्या कोर्ट्स को वर्चुअल हेयरिंग कंटिन्यू करनी चाहिए? क्या उनको एक हाइब्रिड मॉडल अपने आप में रखना चाहिए या फिर जैसा प्री कोरोना टाइम में होता था कि फिज़िकल हेयरिंग फुल फ्लेज्ड होनी चाहिए, वो होना चाहिए? ये सारे सवाल हैं जो आपको और हमको, हमारी सोच को चोट पहुंचाते हैं, जो समाज कल्याण में हमें उठाने चाहिए, जो जनहित में हमें उठाने चाहिए। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो के ज़रिए हम ये सोच आप तक पहुंचा पाए हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को रखिए, हमें बताइए कि आपके हिसाब से एक फ़िज़िकल हेयरिंग बेटर है या एक वर्चुअल हेयरिंग बेटर है। और जी हाँ, साथ ही अंत में ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।